गांधी फेलोशिप का जो 2 साल का प्रोसेस है वो 3 भाग के अंदर डिवाइड है कि अनफोल्ड, इम्पैक्ट और एंजॉय। गांधी फेलो पहले अपने आप को अनफोल्ड करता है, जिसमें सबसे पहले उसका इंडक्शन होता है जहाँ पे वो पूरे प्रोग्राम को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझता है। उसके बाद LQ होता है जहाँ पे वो स्कूल सिस्टम को समझता है, स्कूल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्याएं हैं। LQ के बाद विलेज इमर्शन होता है, VI जिसको हम कहते हैं। विलेज इमर्शन में गांव की कम्युनिटी जहाँ पे गांधी फेलो गांव में रहता है, कम्युनिटी को समझता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। फिर गांधी फेलो उसका PR होता है, मतलब पर्सनल रिफ्लेक्शन, जहाँ गांधी फेलो अपने आप को भी समझता है, अपने अंदर की जो होने वाले बदलाव को महसूस करता है। Cavalier induction, what we do is, it's two-way familiarization process where we do certain processes where they start feeling that they are at home. So to understand government system, to understand local system, to understand socio-economic context of the area we are working with. And then we also provide reality orientation. So there are a lot of expectation of people joining as a Gandhi Fellows. So we provide them support to understand that what is real reality, what is possible, what is not possible. लोग अलग अलग जगह से आए थे, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, पता नहीं था कौन कहाँ से आया। पूरे 2 साल इनके साथ रात दिन रहना है, उनके बारे में जाना थ्रू लाइफ शेयरिंग एंड अदर ग्रुप टास्क लाइक कुकआउट एंड ऑल। वो स्कूल के सारे सिस्टम्स देखता है, उसके साथ साथ वो पढ़ाता है। पढ़ाने के लिए उसको अलग से प्लानिंग वगैरह करनी होती है, रिफ्लेक्शन करना होता है, वापस स्कूल से आकर एक पूरा प्रोसेस डिजाइन होता है, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा उसकी खुद की लर्निंग हो रही होती है कि वो स्कूल में टीचर्स, HMs क्या डायनामिक्स हैं, कम्युनिटी कितना सपोर्ट कर रही है, स्कूल में बच्चों के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, उन बच्चों का लेवल्स कैसा है। विलेज इमर्शन का मतलब है मंथ ऑफ एडवेंचर, जहाँ पे डर भी है, घबराहट भी है, फन भी है, मस्ती भी है। सोचो कि आपको एक ऐसे गांव में भेज दिया जाए कि जहाँ पे आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अनजान गांव है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास कंप्यूटर अलाउड नहीं है, लैपटॉप अलाउड नहीं है, आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपको इस गाँव के अंदर 1 महीना गुजारना है, और वो भी बिना किसी पैसा खर्च किए। गाँव के लिए हम काम करना चाहते हैं, उसका कारण ये है कि हम जहाँ रहते हैं, जिनके लिए काम करना चाहते हैं, उनकी परिस्थितियों को समझना और उनके साथ कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग शहर से आते हैं और शहर में रह के हमने कभी भी गांव की परिस्थितियों को नहीं देखा, तो यहाँ आके वी कॉल इट अ फेज ऑफ डीकंडीशनिंग वेयर यू डीकंडीशन योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर। It threw up amazing experiences for me. I lived in a hut. I learned how to make that hut. I slept on a bed. I learned how to make that bed. I ate some food. I learned how to make that food on that fire. And I learned how to make that fire. 7 days का reflection process है, जो गांधी fellows को हर 6 महीने के बाद करना पड़ता है एक larger group. और ये बेसिकली गांधी फेलोज क्या करते हैं, अपने आप के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि हमने 6 महीना जो भी फील्ड में काम किया वो क्यों किया, कैसे किया, अपने बारे में भी सोचने का मौका मिलता है। जो भी नेक्स्ट स्टेप जिंदगी में लेना है वो लेने के लिए हमें मदद करता है ये प्रोसेस। बहुत सहमी थी, मुझे घबराहट होती थी बात करने में, मैं ज़्यादा खुल के अपना पॉइंट्स नहीं रख पाती थी, लेकिन उस PR में जो भी प्रोसेस हुआ मेरे साथ, जैसे मैं अपने आप को जानने लगी ज़्यादा अपने बारे में, उसके बाद से मुझे लगा कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मैं खुल के सामने, लोगों के सामने बात कर सकती हूँ, मीटिंग ले सकती हूँ, सेशन कंडक्ट कर सकती हूँ, तो काफ़ी सारा कॉन्फिडेंट आया मुझे। जो सेकेंड LG हुई थी वो विपश्यना हुई थी। हम लोग गए थे, बहुत ही लाइफ चेंजिंग टाइप से एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि आप एक ऐसा मौका मिलता है आपको अपने आप
के बारे में जानने के लिए, अपने आप को मेडिटेट करके अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में। पहले हर चीज़ में मेरे लिए एक पोजेसिवनेस होती थी, ये मेरा है, ये मेरा है। अब वहाँ पे रहकर जिस तरह से अपने आप को देखा है, तो एक डिटैचमेंट की फीलिंग आ गई है। बहुत काम रहने लगी हूँ मैं, किसी चीज़ को देख के टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है। अनफोल्ड के बाद समय आता है इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट अर्थात बदलाव का। बदलाव मतलब जब गांधी फेलो एक चेंज एजेंट की भूमिका निभाता है, चाहे वो क्लासरूम में हो, हेडमास्टर्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अपने ग्रुप में हो या फिर कम्युनिटी में। कि टीचर हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ या हो स्कूल की लाइफ, पर्टिकुलर उनकी क्लासरूम प्रॉब्लम्स वो हमसे शेयर कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो हमें अपनी पेरिफेरी में एंट्री दे रहे हैं और अपना ही एक पार्ट समझ रहे हैं। जब मैं VIMS गांव में एक महीना मैं रही वहाँ पे, तो मुझे पता चला कि स्कूल में गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। इसके लिए मैंने पूरे गांव को मोबिलाइज किया, मैंने हर एक के घर में जाकर उनसे बात करी और फाइनली एक मीटिंग बुलाई गई स्कूल के अंदर ही, जिसमें गाँव वाले और स्कूल वाले दोनों एक साथ मिले। इसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि एक आज में उस स्कूल की अच्छी SDMC कमेटी फॉर्म हो चुकी है जो स्कूल के लिए काम कर रही है, और अब स्कूल में छोटे 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 चेंजेस हो रहे हैं। तो छोटे चेंजेस हो रहे हैं लेकिन उन चेंजेस की वजह से स्कूल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। जब 10 शहर के रहने वाले नौजवान लोग एक गांव में आकर के काम करना शुरू करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मस्ती के भूखे होते हैं, तो कहीं भी चाहें मस्ती अपने आप ही शुरू हो जाती है। उसके लिए किसी तरह की हमें मॉल की, पिज़्ज़ा हट की, अप्पू घर की, पब की, अब जब वो है ही नहीं तो फिर करोगे क्या? तो जहाँ पे भी हैं, ब्लॉक में हैं, चाहे स्कूल में हैं, चाहे HM की शादी में हैं, चाहे फिर वर्कशॉप चल रही है हमारी, वहाँ पे जहाँ चाहें हम लोग मस्ती शुरू कर देते हैं। ये इन्जॉय का पार्ट होता है गांधी फेलोशिप में।